अवैध शराब तस्करी में हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रक अंग्रेजी ब्रांड की दारू से भरा हुआ था। कांगड़ा से शराब का ट्रक शिमला जा रहा था। इसे शहर के साथ ही हीरानगर में पकड़ा गया है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अगर शराब कांगड़ा से शिमला ले जा रही थी तो ट्रक विपरीत दिशा में कैसे आ गया। ट्रक को बाईपास होकर जाना था। पुलिस की माने तो पुलिस ने अणु में नाका लगा रखा था। इस दौरान एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया। पूरा ट्रक शराब की पेटियों से भरा हुआ था। शराब ले जाने संबंधी परमिट चालक नहीं दिखा पाया। इसके बाद तुरंत प्रभाव से चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। अवैध शराब ले जाने वाले संबंधित विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों की माने तो किसी ने पहले ही पुलिस को शराब शिमला ले जाने वाले जाने के बारे में सूचित कर दिया था। जानकारी के अनुसार उप निदेशक सुभाष चंद पुलिस थाना हमीरपुर ने मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि थाना के अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर यातायात चेकिंग कर रहे थे। हीरानगर के पास एक ट्रक को रोककर ट्रक चालक से कागजात दिखाने को कहा। कागजात चेक करने के बाद जब ट्रक को चेक किया गया तो उसके अंदर 300 पेटियां अंग्रेजी शराब की मौजूद पाई गई। जब चालक से शराब पेटियों के बारे में परमिट लाइसेंस मांगा तो ट्रक चालक इसके बारे में कोई भी परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम विनोद कुमार निवासी मुलोट डाकघर कोटला तहसील जसवा जिला कांगड़ा बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि एएसपी बलवीर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि चालक को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही की जा रही है। शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया गया है। इस सितंबर की रात को नाके के दौरान हमारी जो पुलिस पार्टी वहां पे तैनात थी हीरानगर में, तो उनको वहां पे एक ट्रक को रोका इन्होंने। तो ट्रक में क्योंकि शराब थी और वो मौके पर अपने कोई भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए जो शराब को कैरी करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे उसमें परमिट होना चाहिए, बाकी चीजें होना चाहिए। तो क्योंकि मौके पर वो चीजें नहीं वो दिखा पाए थे जो भी वो लिक्वर कैरी कर रहे थे, तो इसमें एक्साइज एक्ट के अंतर्गत हमने केस दर्ज कर लिया और इसमें आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। 300 जो बॉक्स थे इंग्लिश वाइन के इसमें मिले हैं ट्रक में, और सारी जो केस प्रॉपर्टी उसको कब्जे में लेके केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।